अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हसनैन। हमने चैप्टर नंबर 14 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। हमने अपना लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो दोनों इंडक्शंस का कम्बाइंड टॉपिक था, विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जिस म्यूचुअल इंडक्शन को अगर मैं आपके सामने रिवाइज़ करूँ कि आप एक कॉइल लेकर आए जिसको आपने प्राइमरी कॉइल कहा, आपने उस कॉइल में करंट पास करवाया तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। दूसरा कॉइल सेकेंडरी कॉइल है जो कि पहले कॉइल के साथ बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है, तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। प्राइमरी कॉइल में रियोस्टेट लगा हुआ है तो प्राइमरी कॉइल में रियोस्टेट को मूव कराऊंगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। उस टॉपिक में किसी के जहन में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि अगर लेट से मैं एक ही कॉइल लाता हूँ सिर्फ, और उस कॉइल को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और मैंने उसको रियोस्टेट से कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, मैं लेट से बैटरी से जो करंट आया वो करंट यहाँ से इंटर हुआ और वो आपके इस कॉइल में मूव करता हुआ बाहर निकला, रियोस्टेट से मूव होता है और वापस बैटरी में आ गया, ठीक है। चलो म्यूचुअल इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। एक ही कॉइल है तो उस पर से मैं इसको आई कह रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को सिर्फ एन कह देता हूँ। मैंने रियोस्टेट को मूव करवाया, जब मैं रियोस्टेट को मूव कराऊंगा यहाँ पे लिखता जाता हूँ, मैंने रियोस्टेट को पहले तो मैंने रियोस्टेट को मूव कराया, सर्किट में रेजिस्टेंस का चेंज आएगा, सर्किट में करंट का चेंज आएगा, और अगेन जब करंट पास करवाया है आपने तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, अब अगर आपने रियोस्टेट मूव करवाया, रेजिस्टेंस में चेंज आया, करंट में चेंज आया, तो इस पर्टिकुलर कॉइल में भी तो फ्लक्स का चेंज आया, और इस पर्टिकुलर कॉइल में अगर फ्लक्स का चेंज आया तो इसी कॉइल में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हुई है इसमें भी तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हुआ होगा। यानी अब आपके कॉइल में दो करंट आ गए, एक तो वो करंट जो आप बैटरी के थ्रू लेकर आए और जब आपने उस करंट को चेंज किया तो आपके इसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ और आपके इसी कॉइल में एक और करंट जनरेट हो गया। लेट्स से मैं इसको आई प्राइम कह देता हूं और ये आपका इंड्यूस करंट हो गया। तो अगर इसी कॉइल में करंट में लाकर इसी कॉइल में करंट चेंज करके इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज करूं तो इसी कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसी कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को ऑब्जर्व करने लग जाऊं तो इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तभी हम यहां पर एक अदद एमीटर इधर ही लगाएंगे, वो झगड़ा सबसे आखिरी में पूरा करेंगे कि यार ये एमीटर अब कौन सा करंट मेजर कर रहा होगा, मेरा इनपुट करंट आई या मेरा इंड्यूस करंट आई प्राइम या दोनों का कंबाइन इफेक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ इंडक्शन समझ में आती है कि अगर एक ही कॉइल में करंट लाऊं और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, फिर रियोस्टेट को मूव करवाऊं, अपने इनपुट करंट आई को चेंज करूं, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो, और इसी कॉइल में कोई दूसरा नहीं है, इसी कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो अगर मैं सेल्फ इंडक्शन को पहले आपके सामने डिफाइन करूं, व्हेनेवर वी चेंज द करंट
passes through coil due to which induced current generates in the same coil phenomena is called self induction. यानी EMF generate हो तब भी ना. अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन आपके सामने रखूं तो डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है म्यूचुअल इंडक्शन के. आपने वहां पे पहला क्या किया था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज अपने कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ निकाला. अब क्योंकि कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी नहीं तो सिर्फ ईएमएफ कहूंगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन टी. फिर आपने इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें. फिर आपने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला एज पर एक्सपेरिमेंट. तो उस वक्त आपने क्या कहा था कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस के. ठीक है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस के. तो यहां पे मेरा कॉस कौन है, यहां पे मेरा कॉस है मेरे करंट का चेंज. तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो इक्वल टू और कॉन्स्टेंट. और याद रखना हर इंड्यूस चीज अपने कॉस को अपोज करती है, तो यहां पे एक अदद माइनस साइन आएगा. यहां पे जो कॉन्स्टेंट है उसको आप इंडक्टेंस कहते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा क्योंकि वो दो कॉइल्स की इंडक्शन थी, यहां पे एक ही कॉइल की इंडक्शन है. तो यहां पे इस कॉन्स्टेंट को एल यानी के सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है. तो आपके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला बना माइनस एल डेल्टा आई अपॉन टी. दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं, इक्वेशन वन और टू को. इक्वेशन वन ये री माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन टी, इक्वेशन टू ये री माइनस एल डेल्टा आई अपॉन टी. तो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन टी माइनस एल डेल्टा आई अपॉन टी, टी टी माइनस माइनस कैंसिल, एन डेल्टा फाई इक्वल्स टू एल डेल्टा आई. हमें ये बात मालूम है कि हम ये डेरिवेशन फ्लक्स लिंकेज के लिए करते हैं. तो अब हम यहां पर अपनी इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे. मान लो तुम्हारे कॉइल में इनिशियल करंट जीरो है तो उस वक्त तुम्हारे कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी तो इनिशियल फ्लक्स भी जीरो होगा. मान लो तुम्हारे कॉइल में फाइनल करंट आई है तो तुम्हारे कॉइल में फाइनल फ्लक्स होगा फाई. अगर मैं करंट का चेंज निकालूं तो फाइनल माइनस इनिशियल आई माइनस जीरो आई. फ्लक्स का चेंज निकालूं तो फाइनल माइनस इनिशियल फाई माइनस जीरो यानी के फाई. अब अगर मैं इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करता हूं अपने इस फॉर्मूले में तो डेल्टा फाई की जगह फाई, डेल्टा आई की जगह आई. तो आपके लिए फॉर्मूला बन गया एन फाई इक्वल्स टू एल आई. और नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स का प्रोडक्ट हम पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में समझ के आ चुके हैं, फ्लक्स लिंकेज कहलाता है. तो आपके लिए फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला हो गया एल आई. देन उसमें आपके बाद आपने मेरे साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ें, कोई फर्क नहीं है. ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन टी सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्म में. अगर मैं यहां पर सबसे पहले तो माइनस साइन हटा दूं, अभी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन टी. इसको देखते हुए डिफाइन करते हैं. आइए रेशो बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अ कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेम कॉइल. वहां पे इंड्यूस ईएमएफ था सेकेंडरी में,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था प्राइमरी में, तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जिस कॉइल में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी उसी कॉइल में है, तभी आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने रखता हूं फ्लक्स लिंकेज का, विच इज एल आई, तो यहां से एल का फॉर्मूला बनाएं तो फ्लक्स लिंकेज अपॉन आई, इसको देखते हुए डिफाइन करें तो रेशियो बिटवीन फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कॉइल एंड करंट पासेस थ्रू सेम कॉइल, सेम कॉइल से ये बात समझ में आ जाएगी कि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। है तो इंडक्टेंस, तो यूनिट तो वही बनेगा, एल इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन टी। ई एम एफ का मतलब वोल्ट, डेल्टा आई का मतलब एम्पेयर पर सेकेंड, और वोल्ट पर एम्पेयर सेकेंड को हम हेनरी कहते हैं। तो अगर मैं यहां पे 1 हेनरी को डिफाइन करूं तो 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो इसको देखते हुए डिफाइन क्या करूंगा, इफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड ऑफ करंट इज चेंजिंग इन अ कॉइल ड्यू टू विच 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ सेम कॉइल, देन सेम कॉइल है देन सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। तो डेरिवेशन तो अगर किसी ने म्यूचुअल इंडक्शन की याद की हुई है तो वो एज इट इज सेल्फ इंडक्शन पे आ जाएगी। सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या होगी, एस और पी नहीं होगा क्योंकि एक ही कॉइल का तस्करा है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा यानी कि एल। अब जो असल में लॉजिकल एक बात इधर आपको समझानी है वो क्या, कि अब तो एक ही कॉइल है और उस एक ही कॉइल में एक करंट बैटरी दे रही है और एक करंट फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है विच इज इंड्यूस करंट। तो मेरा एम मीटर कौन सा करंट मेजर कर रहा होगा, मेरा इनपुट वाला करंट आई या मेरा इंड्यूस करंट आई प्राइम। तो उसके लिए हम आपको यहां पर डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस करंट समझाएंगे, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को समझने के लिए आप मेरे साथ वो बात जो फैराडेज और लेंजेस ने आपको समझाई थी कि हर इंड्यूस चीज अपने कॉस को अपोज करती है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने कॉइल में करंट चेंज किया, तो मैं जो करंट का चेंज है वो इस तरह भी कर सकता हूं कि मैं अपने इनपुट वाले करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि मैं अपने इनपुट वाले करंट को डिक्रीज करके चेंज कर रहा हूं, क्योंकि किसी चीज का चेंज या तो इंक्रीज करके होता है या डिक्रीज करके, दोनों सूरत हाल में आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा। अब सुनना, जब तुम अपने इनपुट करंट को इंक्रीज करके इंड्यूस करंट जनरेट करोगे तो इंड्यूस करंट उसको अपोज करना चाहेगा, तो अपोज कैसे करेगा, वो इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसको कम करेगा। इंड्यूस करंट कम कब कर सकता है, जब वो इंड्यूस करंट मेरे इनपुट करंट की डायरेक्शन में हो या मेरे इनपुट करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो गौर से सुनना, जब आपका इनपुट करंट इंक्रीज होगा और इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो वो इंड्यूस करंट अपने इनपुट करंट को जब अपोज करेगा तो वो अपोज करने का मतलब उसको कम करना चाहेगा, तो जब वो कम करना चाहेगा तो वो इंड्यूस करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनपुट करंट होगा। तो ऑपोजिट होगा तभी तो अपोज करेगा, उसको कम करेगा। और अगर मेरा इनपुट करंट
मैं डिक्रीज करता हूं और इंड्यूस करंट जनरेट होता है, तो वो इंड्यूस करंट अपने कॉस को अपोज करेगा। अब कॉस डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज कैसे करेगा? अपोज इस तरह करेगा कि वो उसको इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कैसे करेगा? वो अपने इनपुट करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस वक्त आपका इंड्यूस करंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इनपुट करंट होगा। तो इस सिचुएशन में, आपका एम मीटर दोनों करंट का डिफरेंस नोट करेगा, तभी तो डिक्रीज हो रहा है, तभी तो वो डिक्रीज हो रहा है। और इस जगह आपका एम मीटर दोनों का सम नोट करेगा, तभी तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस करंट का। और यहां पे आपके दोनों कंबाइन इंडक्शंस का टॉपिक कंप्लीट होता है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। और हम अपने अगले रिकॉर्डेड लेक्चर में अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वही आपका चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है, विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, विच विल बी डन इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर। थैंक यू।